ये दिल की सदा है, ये मेरी दुआ है तेरी जिंदगी में कभी गुम ना आए, तेरी जिंदगी में कभी गुम ना आए। तू मेरी नजर से जुदा एक पल हो, तेरी थैंक यू सो मच आजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, वाला आपको पता है नंबर 0342 स्क्रीन पे लिखा रहा होगा 2075142, यहाँ कॉल करने का नंबर। मेरी हसन खान साहब के बारे में कुछ कहना चाहते हैं प्लीज डायल अस अप। और अगर आप वॉशिंग मशीन जीतना चाहते हैं तो उसके लिए आपको DKB लिखना पड़ेगा। फोन निकालिए, DKB लिखिए और उसके बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद मेहदी हसन लिखिए, उसके बाद स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और उसके बाद 4364 पे भेज दीजिए। जो आज मुझे सबसे ज्यादा मेहदी हसन के SMS करेंगे, सबसे ज्यादा, इट कुड बी एनीवन। हमारी पहली वॉशिंग मशीन उनकी विनर जो है उनका नाम है आई थिंक अंजुम सुमरो उनका नाम है, तो हम उसको देने जाएंगे एक अदद वॉशिंग मशीन। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे एक हमारा जो भी कॉलर होगा उसको हम देने जा रहे हैं सईद गनी की तरफ से एक बास्केट। प्लीज गिव अस अ कॉल डायल अस अप। हमारे साथ मेहदी साहब भी मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? सरवर मेहदी मेरा नाम। सरवर जी, आई नो जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। कल आपके बारे में बहुत अच्छी खबरें आई हैं, बहुत अच्छा गाते हैं आप, बहुत खूबसूरत गाते हैं और काफी हद तक सुरों से खेलते हैं। बस मेहरबानी नहीं, मेरी मेहरबानी क्या है, तो आपकी आपका कमाल है ना। बड़े अच्छा, लेकिन आपकी नज़र में खान साहब मेहदी हसन खान साहब जिनकी शागिर्दी में भी आप रहे हैं, जी जी है, कैसा पाया उनको बहसीत इंसान आप? आई कांट एक्सप्लेन टू यू, इसलिए कि इतना टाइम 75 में उनका शागिर्द हुआ मेहदी साहब, फिर साथ ही मैं रहा हूँ 82 तक वहाँ के साथ, और इतना प्यार इतना खलूस। रात के 2-2 बजे गुलबर्ग लेके जा रहे हैं, वहाँ बता रहे हैं ये वो, फॉरेन रिकॉर्डिंग के साथ जा रहा हूँ एवेन्यू वारी स्टूडियो में, ऐसे लोग कहाँ पैदा हो सकते हैं, एक ही से दूसरा तो है ही नहीं, ना होगा। अच्छा आज आप क्या सुना रहे हैं? मुझे तो डर ही लगता रहता है कि भी अब उन जैसा तो आवाज़ का टोन बनता ही नहीं किसी का पूरी दुनिया में नहीं बनता है, ये अल्लाह का करम है। सिर्फ एक बहादुर शाह जफर साहब की गजल है, एक अंतरास्थाई पेश कर रहा हूँ आपके। बात करने मुझे मुश्किल, कभी ऐसी
तो न थी बात करने मजा बात करने मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी जैसी अब है तेरी हो रहा है ये खान साहब के लिए हो रहा है। आज बाद नमाज जोहर खान साहब की तदफीन है। ये वो दिन है जो कोई भी नहीं चाहता कि वो देखे, कम से कम मैं तो नहीं चाहता था कि मैं इस दिन एक ऐसा शो करूं जिसमें मुझे ये कहना पड़े कि खान साहब एक ऐसा सफ़र इख्तियार करेंगे कि जिसके बाद फिजिकली हम उनको नहीं देख पाएंगे। ट्रू, जो इंसान आया है उसे वापस जाना है, एक सर्कल ऑफ लाइफ है, और उस सर्कल ऑफ लाइफ में खान साहब ने अपना जो फिजिकल सफ़र यहाँ इस दुनिया तक का था वो कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो लेगेसी खान साहब छोड़ के जा रहे हैं वो लेगेसी बाद में आने वालों के लिए मचल रहा है। कम से कम मुझ जैसे लोग जो यहाँ बैठते हैं, मैं पिछले ढाई दिन से, जब से खान साहब गए हैं पिछले दो दिनों से, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम सुन रहा हूँ, मेहदी हसन। प्रोग्राम करके देख लिए, मिल के देख लिया, टेलीफोन करके देख लिया, बात करके देख लिया, हर चीज़ करके देख ली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बात वहीं पर आके रुकती है कि मेहदी हसन सिर्फ एक ही है। एक छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0342-207-5142। यहाँ अच्छा, मेरे पास लाला की कॉल है, अताउल्ला खान ईसा खेलवी की कॉल है, पहले हम वो ले लें फिर इसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम लाला जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं लाला, ठीक हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं सब खैरियत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लाला। खबर तो आपने मैं बहुत दूर उफ्ताजा इलाके में बैठा हूँ जहाँ प्रॉपर मोबाइल भी काम नहीं कर रहा। अच्छा, आपने खबर तो सुन ली होगी लाला। बहुत दुख हुआ, अल्लाह ताला उन्हें भरी के रहमत करे, हमें तो यतीम कर गए मेरी असम खान साहब। आपको उनसे अपनी मुलाकातें याद हैं? मुझे मेरे साथ तो जल्दी वो लाहौर तशरीफ लाते थे, मुझे खिदमत का मौका देते थे। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ उनके साथ, मैंने बहुत सारा वक्त गुजारा। अच्छा अच्छा लाला, मुझे ये बताइए कोई ऐसी मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहते हैं खान साहब की हमारे साथ? जी, कोई ऐसी याद है जो आप खान साहब की हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? उनकी तो बहुत सारी बातें थी, मैं तो उनसे पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूँ। मेरी तो बहुत बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा, मैं हर पल तो अगो हूँ, अल्लाह ताला उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। अच्छा लाला, मैंने ये नया शो शुरू किया है, तो आप एक प्रॉमिस करें कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप मुझे मेरे शो पे खान साहब की 2-3 गजलें जरूर सुनाएंगे। मैं इंशाल्लाह जरूर हाजिर होऊंगा, और मेरे लिए तो सादत होगी, खुशकिस्मती होगी कि मैं उनके लिए कुछ कहूँ। हालांकि उन्हें शहनशाह कहना, उन्हें बादशाह कहना, मैं तो कहता हूँ ये बहुत छोटे लफ्ज है उनके लिए, तो मुझे कोई लफ्ज ही नहीं मिल रहा है जो मैं उनकी शान में बयान करूँ। लाला, कुछ इस वक्त सुना सकेंगे हमें एयर पे कुछ भी खान साहब का जो आपको बहुत पसंद है, जो आप कभी तन्हाई में गुनगुनाते हैं? खान साहब के बहुत सारे गाने मुझे याद है, और अक्सर मैं उनके सामने बैठ के ये जुरत करता था, बल्कि वो खुद फरमाइश करते थे कि ये गाना मुझे सुनाओ। मुझे बताइए कौन सा गाना खान साहब आपसे सुनते थे सबसे ज्यादा? इस वक्त मैं अजीब उस हालत में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं स्पेशल प्रोग्राम करूंगा उनके लिए आगे। अच्छा चलिए ठीक है, हम समझ सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाला, फिर इंशाल्लाह बातें होंगी। यार जिंदा सोबत, बाकी मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यहाँ पर इस शो पे, और पूरा पाकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा, हम आपसे भी बहुत प्यार करते हैं लाला। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बहुत बहुत शुक्रिया। पता है ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मैं जब लाला से मिला तो मेरी पहली मुलाकात मुझे उनसे याद है, उन्होंने हारमोनियम लिया और मेरे सामने गाना शुरू कर दिया, और वो भी रो रहे थे और मैं भी रोने लगा। ये बहुत बड़े लोग हैं, एक बड़ा आदमी दूसरे बड़े आदमी के लिए जब ये कहता है ना कि ये मेरे लिए सादत की बात है, मुझे वो खिदमत का मौका दिया करते थे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे फख्र है इन दोनों नामों पे, अताउल्लाह खान सखीलवी एंड ऑफ कोर्स शहनशाह गजल बादशाह वक्त उस्ताद मेहदी हसन खान साहब। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।